लॉस हो गया जी, हुए फुल करवा लेते, 300 रुपया बच जाता हुआ भाई का। चलिए मालूम नहीं था यहाँ पर ये उड़िया पानी लोड हुआ है, गार्ड आ रहा है, गार्ड उधर से आ रहा है, देख लेगा ना फोन में ले लेगा। अचार है, अचार की खिचड़ी खा रहे पहले खाओ के जाएंगे, पहले पेट पूजा उसके बाद काम होगा। नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और भाई लोग, अभी मैं हूँ देवरा टूल टेस्ट पे। तो मैं गिरेज से निकले थे, 4 बजे निकले थे, तो अभी टाइम बच गया 6। तो और भी दो गाड़ी मेरा भाई लोग है, दोस्त लोग है, वो आ रहे हैं। कल ट्रांसपोर्ट में मिले थे, बोले थे जोड़े चलेंगे, तो पहले वहाँ पर लोड किए, आपका भाई नहीं किया लोड। और यहाँ से मुझे खड़गपुर है 20 किलोमीटर जाना है। तो देखिए कब तक आता, अभी फ़ोन किए तो बोलते भैया आ रहे हैं, पीछे में हूँ मैं 10 किलोमीटर। चलिए देखिए पीछे में हरा भरा एकदम पेड़ पौधा है, हरियाली है, मज़ा आ रहा है। तो भैया लोग ठंडा गिर गया है रात को, आपका भाई का ना हल्का हल्का ठंडा लग रहा था, तब का भाई कम्बल ओढ़ के सोया है, कम्बल नहीं था चदरा था, चदरा ओढ़ के सोया, कम्बल लेना पड़ेगा, समझेंगे नहीं, ये चक्कर ले लेंगे कहीं मिलेगा तो। देखिए कोहरा लगा हुआ है पीछे, देखिए सामने में देवरा टूल टैक्स। देखिए सुबह सुबह सूर्य भगवान निकल गए है, देखिए पेड़ पौधा से ढके हुए हैं। चलो अभी देखिए कब तक भाई लोग आ रहे हैं, आएंगे तो फिर चाय पी के यहाँ से निकलेंगे। आपका भाई का ना क्या बोले, मगवा में ना इसमें भूत घुस गया है जी, ये सब ठीक है, माइक ठीक है, देखिए दोनों माइक एकदम अच्छा मस्त माइक है। बाकी इसका ये है ना, इसका क्या इसका बोलता है रिसीवर, ये ससुरा में लगता है ना भूत घुस गया, समझे नहीं, कल करेंट हो गया था, आज करेंट नहीं हो रहा, आधा नस में परेशान है, करेंट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इसमें क्या हो गया है। ये माइक बड़ा मस्त है, माइक सही है, माइक में कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोले भैया परेशानी में है जी। आपका भाई अब वीडियो कैसे बनेगा जी, चलता गाड़ी में वीडियो कैसे बनेगा, माइक तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या बोले। देखिए भाई लोग लॉन्ड्री लग गया, देखिए गाड़ी का लाइन लगा दिए, खड़गपुर में जाएगा, कंपनी में गाड़ी के एंट्री करवा दिए है, अब बोले है फोन करेंगे तो आइएगा, जब तक वो ट्रांसपोर्टर मैसेज नहीं करेगा ना तब तक गाड़ी को नहीं अंदर लेगा। देखिए क्या लुची दिया है, पूरी खाली तेल वाला है, तब का भाई नाश्ता ले आया हुआ सर, गेट पे नाश्ता वाला थे, गए अभी पानी लेकर आए है, एकदम गाड़ी वाला एकदम साफ से पानी नहीं है, तो कंपनी यहाँ से ना 500 मीटर यहाँ से कंपनी है, तो हाथ में धर कर आए हैं बड़का बाल्टी, पर हाथ दुख गया जी, दूर है ना जी, कितना हाथ से धोइएगा। देखिए बल्टी वहाँ भर के ले आए हैं, और जाते आपका भाई खाना बनाने, तो क्या खाना बनाए, दाल भात चोखा बना लेते हैं, तो भुजिया बना लेंगे आज, समझेंगे नहीं। भाई लोग आपका भाई का गाड़ी लोड हो रहा है, जैसे भाई लोग खाना बनाने के लिए बैठे उसी गार्ड साहब फोन किए, भैया गाड़ी लेके अंदर में आइए, तो उसे आपका भाई गाड़ी रुक घुसाया है, तो अभी भाई का गाड़ी पीछे में लोड हो रहा है। भैया लोग वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउ नहीं है, गए थे ना पीछे में मोबाइल हाथ में धरे हुए थे, इसी बोलते भैया यहाँ वीडियो नहीं बनाइएगा, नहीं तो आएगा साहब लोग मोबाइल वाला छीन लेकर चला जाएगा। चलो भाई ठीक है, अभी टाइम है लोग 12 बजने वाला है, तो बस आपका भाई का लोडिंग होने वाला ही है। हेलो भाई लोग, आपका भाई का गाड़ी लोड हो गया है, देखिए ये उड़िया पानी लोड हुआ है, अब बहुत धूप है जी, अच्छा हुआ भाई लोग मुझे रसद तिरपाल नहीं बांधना पड़ेगा, नहीं तो आपका भाई का जी हालत खराब होता, क्योंकि बहुत धूप है। देखिए गाड़ी लाइन से लोड हुआ है,
यहाँ पर ना गाड़ी भरा है, मैं देख रहा हूँ लोड बहुत उतरा, 20 गाड़ी अभी लोड हुआ है उड़िया पानी, समझे कि नहीं। बाबा रे बहुत गर्मी है जी, देखिए गार्ड गार्ड आ रहा है, गार्ड उधर से आ रहा है, देख लेगा ना फोन, फोन में ले लेगा, समझे कि नहीं, फोन अलाउ नहीं है। तो इधर में देखिए, बताइए जंगल में झाड़ में है इधर ठहरा, बताइए बोलता कि मैं फोन नहीं चलाना है, पता ना क्या सिस्टम है, लगता सोना का कंपनी है, हीरा मोती का, कहा बोले चलिए कंपनी का नियम कानून है तो उसको तो मानना पड़ेगा। अभी टाइम बच चुका है डेढ़, तो अभी तक आपका भाई खाना नहीं बनाया है, तो गाड़ी भी सब लोड होगा क्योंकि लोडिंग पॉइंट में खाना बनाने नहीं दे रहा था, वो मना किया था, केमिकल है ना उसी लिए। तो आपका भाई का सब लोड हो गया है, बत्ता उत्ता सब लगा दीजिए पड़ा उठा, और मुझे भी बोले फोन किए आपका 20 मिनट में आइएगा, आपका पेपर रेडी हो जाएगा। तो आपका भाई जब तक ना, आज मुझे ख्याल आया, आज तो शनिवार है और सब्जी तो है नहीं, सब्जी बनाए, तो आज आपका भाई इसमें देखिए चावल दाल डाल दिए है, मूंग मसूर का और थोड़ा डाल देते हैं क्योंकि आपका भाई ना दाल बहुत खाता है। और ये देखिए इसमें आलू आलू और प्याज वाज है, इसमें डाल देते हैं, मिर्च उर्ची सब है। आज खिचड़ी झटपट में हेलो झटपट में खिचड़ी बना लेंगे, बस 10-15 मिनट में ना इसमें कुकर में बन जाएगा। देखिए ये गए आलू, इसको धो के पहले चढ़ाते हैं, और टमाटर नहीं है जी, टमाटर होने से ना और अच्छा से बनाते हैं, समझे नहीं। ये तो बहुत दिन के बाद खिचड़ी बना रहा हूँ, ऊपर से जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, सबसे अच्छा मुझे खाना है खिचड़ी लगता है, जल्दीबाजी में बना लीजिए। थोड़ा तेल डाल देते हैं, सरसों तेल, ये गया सरसों तेल, अरे बाबा रे बहुत गिर गया अच्छा बोलो खिचड़ी आपका भाई का निकल गया है, इसमें घी डाल दिए है, देखिए घी हुआ है, यह अचार का डब्बा भरा हुआ है, आम का अचार, यह अचार है, अचार खिचड़ी खा रहे हैं, बहुत सुंदर। इसमें कुछ डाले नहीं है तभी खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, इसमें खाली आलू दाल चावल नमक हल्दी दिए है बस, हरा मिर्ची, उसका स्वाद ना घी बढ़ा दिया है, अचार बहुत सुंदर। लगाओ यहाँ से निकलते हैं, अब वो 3 बजे गाड़ी छोड़ दिया जी, बड़ा मस्त मस्त हेलो बड़ा मस्त एक कंपनी है जी, आइए 2-3 नाम लूट करके निकल जाइए, मजा आ गया। आगे पंप में तो डीजल फुल करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे ना झारखंड है तो वहाँ पर दाम डीजल का ज्यादा है, कलकत्ता से दाम ज्यादा है थोड़ा सा, 1 रुपया, अरे 1 रुपया ज्यादा है, अरे वहाँ लॉस हो गया जी, हमें फुल करवा लेते 300 रुपया बच जाता होगा भाई का चलिए मालूम नहीं था, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर 5 साल के बाद यहाँ पर डीजल ले रहे हैं, खड़गपुर से माल भरते हैं ना तो यहीं पर डीजल लेते हैं। फुल हो गया टंकी का, हम यहाँ से निकलते हैं एक के बाद जमसोला, वहाँ जाकर राशन उसर लेंगे, आपका भाई का गाड़ी में ना राशन सब खत्म हो गया है, यहाँ पर भैया लोग तेल महंगा है जी, 1 रुपया, कलकत्ता में टंकी फुल करवा लेते तो आपका भाई का 300 रुपया बच जाता, चलिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर 5-6 साल के बाद मैं डीजल लिया हूँ इस पंप में। चले निकलते हैं, शाम हो चुका है, टाइम 5 बज चुका है, देखिए सामने में हुई यहाँ से आगे भैया लोधा सुली जंगल है, पहले यहाँ पर सिंगल रोड था ना, बहुत ड्राइवर वाले चोरी चमारी काट पीट के फेंक दिया, समझे नहीं, मैं आगे के बाद जीजा भी इस बार एक बार फंसा था, उनका ना टाइम में गजा लग गया था,
अब माल था अंगूर लोड था, रात में घुस गए तो कच्चा माल था, टाइम लगे गजाल, तो भागे सब जंगल में। समझे, लम्बा कहानी है, क्या बोले आप लोग को, पेड़ बजा के बैठ गए नुका के, समझे कि नहीं। बस यहाँ जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ से जंगल है। हेलो भाई लोग, आपका भाई आ चुका है जब 16, तो जाते वाले लोग गैस भरवाते हैं, टंकी खाली हो गया है और आशा उसा लेते हैं, देखते हैं चावल के, चावल तो है नहीं, आटा भी लगता है, 1 किलो आटा है तो ले लेंगे, सामान वामान ले लेते हैं, यह बस स्टॉक कर लेते हैं 10-12 दिन के लिए। चले वालों चलते हैं दुकान में, जाके उसमें गैस उस भरते हैं। मोटा भाई नहीं, बहुत दिन के बाद मिले, चाय पिला रहे, चाय पी के सामान लेंगे, हमारे जिले के है, समझे कि नहीं, इधर बनता है मुजफ्फरपुर, हलवा टाइट करते हैं, समझे, बहुत बोल रहे है। बस ब्रो, दुकान का मालिक मासूम भाई, ठीक है। लगता है कोई गाड़ी है ना, एक ड्राइवर बोले थे गाड़ी वहाँ पर रोड पर ना पलटी हो गया है, उसी का जाम है। देखिए आपका भाई ना अंदर से सब सामान निकाले है, देखिए कितना सामान आपका भाई के गाड़ी में था, ये सब अंदर इस बक्सा में था, देखिए ऐसी पड़ा हुआ है, सब दाल उल सेवई, इसमें सेवई सूजी सब इसमें पड़ा हुआ है, देखिए कितना खाने पीने का सामान है, तब अभी हम भूखे रहते हैं। और अभी ये सब सामान लिए है राशन दुकान में, तो 1280 रुपये का सामान हुआ है अभी का, ये सब अभी ना सामान को अभी अंदर रखेंगे अच्छा से साफ करके अच्छा से रखेंगे। देखिए सोयाबीन सब है, ये चावल है भाई, आ चुका जस्सीपुर, आज जाम नहीं मिला जी, देखिए पूरा फांगा बजा रहा है जी, देखिए मज़ा आ गया जी, मुझे टेंशन था कि जाम नहीं मिल जाए जी, गाड़ी बहुत टन के आ रहे है, देखिए तो ये रोडवा सब ना यहाँ गड्ढा था बहुत, तो सब में भर दिया है, देखिए गिट्टी उट्टी भरा है। हेलो भाई लोग, आपका भाई आ चुका है, भाई लोग कोंजन यहाँ से और 20 किलोमीटर है, तो आपका भाई अभी टाइम 12 बज चुका है, सोचे खाना बना लेंगे, तो भाई लोग खाना बनाएंगे तो फिर होटल में कैसे सोएंगे, तो जाकर अभी होटल में खाएंगे, आगे माँ काली होटल है, यहाँ पर रुके थे फिल्टर साफ करवाने के लिए, तो भाई मेरा उठ नहीं रहा, एकदम सोया हुआ है, चलिए सो देते हैं, नींद हराम नहीं करते क्योंकि 12 बज रहा है, कल के साफ करवा लेंगे, जाते आगे माँ काली ढाबा है उसमें जाकर खाना खाएंगे सो जाएंगे। भाई खाना पीना खा लिया, अब लोग खाना खाए सेव भाजी दूध में और रोटी, तो वे लोग अभी टाइम 12:30 बज चुका है, तो अब ये अंकल आए हैं, उनका भी यही माल लोड है उड़िया पानी, तो लोग होटल के ना सामने में लगाया हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो अंकल भी मेरे पीछे लगा दिए है, वह लोग सोते हैं, टाइम वह लोग बहुत हो चुका है, अब वह लोग ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और भाई को ऐसी सपोर्ट करते रहिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।